हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू अनदर अडी इन माई लाइफ फ्लॉग तो ये सुबह छः बजे का सीन था जनवरी में ठीक है तो ये मैंने जनवरी में रिकॉर्ड किया था वीडियो शूट किया था बट मैंने इसकी एडिटिंग ही नहीं की और ना ही मैंने इसका वॉइस किया था तो इस वजह से मैंने इसको अपलोड ही नहीं किया बट अभी मुझे याद आया कि मेरा एक वीडियो तो बाकी है एडिट करना तो मैंने सोचा कोई नहीं चलो अभी कर ही देते हैं वैसे तुम देख के समझ ही रहे हो कि ये विंटर के टाइम का है क्योंकि विंटर में इतने सारे चद्दर और कम्बल होते हैं एंड ये मेरी ड्यूटी होती थी सुबह उठ के सारे कंबल और चद्दरों को फोल्ड करना अच्छे से बराबर करना और अगर कभी कभी टाइम मिल जाए तो बेड वग़ैरह भी ठीक कर देना अभी तो यहाँ सर्दी है थोड़ी थोड़ी लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी मतलब कुछ टाइम पहले थी तो उसके बाद तुम्हें तो पता ही है मेरा टेबल का हाल हमेशा खराब ही रहता है तो मैंने सोचा कि ठीक कर लेते हैं बट इस बार इतना बुरा हाल भी नहीं था जैसा कि तुम देख सकते हो अगर तुमने मेरे पुराने कुछ व्लॉग्स देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरा टेबल कितना ज़्यादा गंदा रहता है एक्चुअली क्या ना कि मैं कोई ना कोई बुक निकालती हूँ पढ़ती हूँ वहीं साइड में रख देती हूँ एंड वो वहीं पे रखा हुआ रहता है जब फिर मैं उसको ठीक से अरेंज करके रखना ही भूल जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि चलो यही सामने ही तो है बुक तो फिर अभी क्या ही ठीक करना तो इसीलिए मैं नहीं ठीक करती हूँ बट हाँ जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब मैं थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे तो तुम्हें ज़रूर पता होगा वैसे सब्सक्राइबर से याद आया तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो थोड़ा देखो कितने टाइम से टू हो रखा है ठीक है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और भी अलग अलग चीज़ें सोच रही हूँ वीडियोज़ बनाने के बारे में एंड अभी देखते अभी थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान है तो उसके बाद अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी टीचिंग वाले वीडियोस भी बनाऊंगी क्योंकि मैंने पोल डाला था एंड उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप टीचिंग का भी कुछ ट्राई कर सकते हो बट ज़्यादा वोट तो व्लॉग्स पे ही था तो मैंने पहले व्लॉग ही बना दिया उसके बाद देखते हैं अगर कुछ करना होगा तो वो करेंगे हम लोग बाद में अभी तो फ़िलहाल मेरा खुद का ही पढ़ाई को ले बैंड बजा हुआ है मतलब समझ में ही नहीं आता किस पे ध्यान दूँ किसपे ध्यान ना दूँ एक सब्जेक्ट पर ध्यान देने जाती हो तो दूसरा उल्टा फुलटा हो जाता है तो ऐसा हो ही था तो देखो बातें करते करते हमने टेबल भी ठीक कर लिया और अब टेबल का पहले से कभी सही लग रहा है वो क्या ना मुझे वहाँ पे फ़ोन रखना होता है पढ़ने के लिए तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक कर लेते क्योंकि बार बार फ़ोन गिर रहा था उसके बाद सुबह का सबसे इम्पॉर्टेंट चाय नाश्ता वो किया हमने और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डीपीपी सॉल्व किया जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस मतलब अच्छा आ रहा था मुझसे भी सॉल्व हो रहे थे हाँ मतलब अगर दस बारह क्वेश्चन रहते तो उसमें से दो तीन क्वेश्चन गल हो जाता है तो ठीक है फिर उस मिस्टेक्स को ठीक कर लेना है यही इम्पॉर्टेंट है और फिर सुबह हो गई तो मतलब सनराइज़ हो गया था थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी उसके बाद आता है फिजिक्स का क्लास सुबह सुबह सबसे पहले फिजिक्स का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद मैंने बायो का रिवाइज़ किया बायो का मैं कोई लेक्चर्स नहीं देख रही हूँ मैं खुद ही खुद रिवाइज़ करती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यूट्यूब से तरुण सर या फिर मनीष दुबे सर की वीडियोज़ देख लेती हूँ तो ऐसे ही मेरा अभी बायो का चल रहा है लेक्चर्स अभी मैं नहीं देख रही हूँ मैंने सोचा कि जिनसे मैंने पिछले साल पढ़ा था उनके नोट्स ही फॉलो करते और वन शॉट्स देख लेते हैं तो ऐसे ही बाकी सारे रिवीजन करते रहे और फिर शाम हो गई और मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने कहा कि तो ही खाना बना दे तो इसीलिए मैंने खाना भी बनाया और क्योंकि उस दिन सैटरडे था जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था तो खिचड़ी बनी थी सैटरडे मतलब खिचड़ी तो होता ही है और इसी के साथ दिन का एंड हो जाता है और वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो